मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक, जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम होता है। मैकल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। अमरकंटक समुद्र तल से 1065 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मध्य प्रदेश में जहां मेल होता है, वही स्थान है अमरकंटक। नर्मदा नदी यहां से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। यहां के खूबसूरत झरने, पवित्र तालाब, ऊंची पहाड़ियों और शांत वातावरण सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्रकृति प्रेमी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को यह स्थान काफी पसंद आता है। अमरकंटक का बहुत सी परंपराओं और किंवदंतियों से संबंध रहा है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवनदायिनी नदी के रूप में यहां से बहती है। माता नर्मदा को समर्पित यहां अनेक मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें दुर्गा की प्रतिमूर्ति माना जाता है। अमरकंटक बहुत से आयुर्वेदिक पौधों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें किंवदंतियों के अनुसार जीवनदायी गुणों से भरपूर माना जाता है। अमरकंटक में धुनी पानी एक जगह है। अमरकंटक का यह गर्म पानी का झरना है। कहा जाता है कि यह झरना औषधीय गुणों से संपन्न है और इसमें स्नान करने से शरीर के असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं और दूर दूर से लोग इस झरने के पवित्र पानी में स्नान करने आते हैं, ताकि उनके तमाम दुखों का निवारण हो। दूध धारा। अमरकंटक में दूध धारा नाम का यह झरना काफी लोकप्रिय है। ऊंचाई से गिरते समय इस झरने का जल दूध के समान प्रतीत होता है, इसीलिए इसे दूध धारा के नाम से जाना जाता है। कपिल धारा। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला कपिल धारा झरना बहुत सुंदर और लोकप्रिय है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कपिल मुनि यहां रहते थे। घने जंगलों, पर्वतों और प्रकृति के सुंदर नजारे यहां से देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना इसी स्थान पर की थी। कपिल धारा के निकट ही कपिलेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। कपिल धारा के आसपास अनेक गुफाएं हैं, जहां साधु संत ध्यान मग्न मुद्रा में देखे जा सकते हैं। सोनमुड़ा। अमरकंटक में एक अन्य महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ प्राकृतिक नजारे को देखने का एक अलग ही आनंद होता है। अमरकंटक आने वाले पर्यटक यहाँ आना नहीं भूलते हैं। इसके अलावा अमरकंटक का दूसरा खजाना यहाँ के प्राचीन मंदिर है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कलचुरी काल में हुआ था। इन मंदिरों को देखकर लगता है कि इस दौर में अमरकंटक अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र रहा होगा। इन मंदिरों को बनाने में बलुए पत्थर का उपयोग किया गया है। वैसे तो अमरकंटक में नए पुराने मिलाकर कुल 30 मंदिरों का समूह है। इस परिसर में सबसे प्रमुख मंदिर है पतालेश्वर महादेव का मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर है। इसका निर्माण कलचुरी शासन काल में कर्णदेव ने कराया था। इसके अलावा भी अमरकंटक में कई पुराने मंदिर हैं, जो प्राचीन संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुए हैं।